हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया चौहान स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल प्रियाज व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और दोस्तों आज की जो व्लॉग है वो व्लॉग नहीं होने वाला, ये एक बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो होने वाला है। और वैसे आप टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे ये मेरे वेट लॉस के ऊपर, मेरी वेट लॉस जो जर्नी थी उसके ऊपर वीडियो होने वाला है। तो मैं आप लोगों को मोटिवेट करूंगी और साथ साथ में अपना डाइट प्लान भी बताऊंगी। तो दोस्तों खैर मेरे मोटिवेशन करने से तो कुछ नहीं होगा, आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा पहले। जब तक आप मन से ठान नहीं लोगे कि मुझे पतला होना है तब तक आप वो पतले नहीं हो सकते। बाकी आप ऐसे मेरी भी वीडियो देखोगे, किसी और की वीडियो देखोगे, सब लोग बोलेंगे पर करना सिर्फ आपको है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक आप पतले हो ही नहीं सकते, वीडियो देखते रहोगे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ आपको आगे। अभी दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितना वेट लॉस करा है, ठीक है। तो मैंने वेट लॉस पता कितना करा है, 18 to 20 kg वेट लॉस करा है मैंने। मेरा वेट था 68 kg और जब मैंने वेट लॉस करा था फिर मेरा 47 हो गया था वेट, और करंट वेट अभी मेरा 49 kg। शायद मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, एक मिनट, मैं आपको ये बता रही थी, मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता मैं कितना फास्ट बोलूँ। तो मैं आपको ये बता रही थी कि आपको वेट लॉस करने के दो तरीके हैं। और हाँ मैं आपको ये भी बता देती हूँ, मेरी जो वेस्ट है अभी 27 है और जब मैंने करी थी वेट, जब मैं वेट लॉस करती थी तो उस टाइम 26 है। एक्चुअली मेरा वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था और मुझे उस टाइम नॉलेज भी नहीं थी। अभी तो मैंने बहुत डीप स्टडी करी है इस चीज़ के ऊपर, मतलब कितनी कैलोरी वगैरह इन सब चीज़ों के इनटेक कितना करना है, क्या करना है, कैसे खाना है, उसके ऊपर बहुत स्टडी करी। और मैं अंडर वेट हो चुकी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा वेट गेन करा। इसलिए अब मेरा वेट 49 है, अभी बीच में बल्कि 50 भी हो गया था, तो मैंने 1 kg वजन कम करा अपना क्योंकि मुझे 49 ही रहना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 48-49। दोस्तों मैं आपको बताती हूँ वेट लॉस करने के दो तरीके हैं ना, जो सबको पता है कॉमन, एक है डाइटिंग दूसरा है एक्सरसाइज। तो दोस्तों मैंने दोनों तरीके अपनाए, मैंने दोनों तरीके से वेट लॉस करने की कोशिश करी। तो मैं आपको बताती हूँ हेल्दी वेट लॉस करना क्या होता है, डाइटिंग करो बट हेल्दी तरीके से, है ना। तो मैंने सबसे पहले, तो मैं बताती हूँ, मैंने सबसे पहले एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करा था। तो मैंने 2 month एक्सरसाइज करी थी, मेरा 2 kg वजन कम हुआ था एक्सरसाइज करके, मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती थी इसलिए मैंने वो तरीका ना लेके डाइटिंग का तरीका प्रेफर करा। वैसे भी मैं हॉस्टल में, मैं बहुत लेजी थी, मैं पहले बता रही हूँ, मैं बहुत लेजी थी इसलिए मैं उठ नहीं पाती थी सुबह जल्दी जल्दी, वर्कआउट नहीं कर पाती थी, शाम को भी मैं इतना वो नहीं कर पाती थी, और मेरी बॉडी में एनर्जी बचती नहीं थी कि मैं खाना भी कम खाऊं और साथ में एक्सरसाइज भी करूं, तो इसलिए मैं नहीं कर पाती थी। और आपको भी मैं एक एडवाइस दूंगी, अगर आप डाइटिंग करने का सोच रहे हो तो पहले अपने डॉक्टर को भी एडवाइस करना चाहिए। खैर मैंने नहीं करा, मैं सच बता रही हूं, बट अगर आप सोचते हो, क्योंकि कई सारे टेस्ट होते हैं, कई सारे किसी के बॉडी में कमियां होती है, कई चीजें होती है, तो आप कंसल्ट कर सकते हो अपने डॉक्टर को। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं कि मैं आपको ऐसे प्रिस्क्राइब करूंगी तो आप वही फॉलो करोगे, बट जो मैंने करा है मैं आपको वो सब चीजें बता रही हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ना स्टार्ट करती हूं कि मैंने डाइटिंग कैसे करी थी। तो डाइटिंग ऐसे करते हैं कि पहले जितना मैं खाना खाती थी उससे मैं कम आई थी। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने सडन कम कर दिया था खाना, जो कि बहुत गंदा तरीका था। आप लोग क्या कर सकते हो कि अगर आप 4 रोटी खाते हो तो आप पहले 3 खाओ, देन 2, देन 1, ऐसे ऐसे करके आप वो कर सकते हो, अपना फूड का जो है इनटेक वो कम कर सकते हो। क्योंकि सडन करोगे तो आपकी बॉडी में एकदम से बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, आप कमजोर हो जाओगे, कमजोर जिसे बोलते हैं, वेट लॉस हो ना हो आपके अंदर कमजोरी बहुत आ जाएगी और आपकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी, इसके कारण आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ सकता है। तो इस वजह से आप हेल्दी तरीके से खाना वो करोगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बिल्कुल खाना छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, कुछ नहीं छोड़ना और ना कोई फैंसी आइटम अपने फूड में इंक्लूड करना है। जैसे बोलेंगे ओट्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो ये सब चीजें कुछ ही नहीं करनी है। दोस्तों मैंने जैसे वेट लॉस करा मैं आपको वही बताती हूँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज तो मैंने नहीं करी तो मैं आपको नहीं बता सकती कि आप ये एक्सरसाइज करो, वो एक्सरसाइज करो, ना मैं आपको कोई रेसिपी देने वाली हूँ, बट या मैं आपको ये बताऊंगी। सबसे पहले मैं सुबह उठती थी, उसके बाद मैं ल्यूक वार्म वाटर लेती थी, बहुत गर्म पानी नहीं लेना। दोस्तों कोई कोई लोग क्या होते हैं बहुत तेज गर्म पानी पीते हैं तो वो नहीं पीना, अच्छा नहीं होता। और ल्यूक वार्म वाटर लेना, गुनगुना पानी, वो मैं पीती थी। उसके बाद देन मैं क्या करती थी, पहले गुनगुना पानी पीना जरूरी है, उसमें मेरे को तो नींबू वगैरह, कई सारे लोग नींबू लेते हैं, कुछ लेते हैं एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं, तो वो चीज मुझे तो सूट नहीं होती थी, मेरे स्टमक में एसिड बन जाता था बहुत ज्यादा, तो मैं नहीं लेती थी वो सब चीजें। तो मैं आपको भी यही बोलूंगी कि आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, अगर आपको सूट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मैं क्या करती थी, पहले नॉर्मल वाटर लेती थी, मतलब ल्यूक वार्म वाटर। उसके बाद मैं क्या करती थी, उसमें मैं पर्सनली, मेरी 3 फेवरेट ड्रिंक्स थी, सिनेमन टी और क्यूमिन सीड्स वाटर, और दूसरा था एप्पल साइडर विनेगर, क्योंकि मैं लेमन नहीं लेती थी, मुझे लेमन वैसे भी सूट नहीं होता, तो एप्पल साइडर विनेगर, ये 3 ड्रिंक्स थी जो मैं हमेशा मतलब एक दिन बाद हर दिन मतलब चेंज करते रहती थी। तो ये मैं पीती थी पानी, पहले प्लेन वाटर पीने के आधे या एक घंटे बाद मैं ये जरूर पीती थी दोस्तों। तो ये ड्रिंक आपको पीनी पीनी है, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। बाकी आप इसके फायदे देख सकते हो, मैं बहुत सारे फायदे तो नहीं गिनाऊंगी आपको, बट आप ये सब ले सकते हो। और दूसरी जो चीज़ है वो मैं ब्रेकफास्ट पे आती, तो ब्रेकफास्ट में हमारे हॉस्टल में उस टाइम मैं अंडे खाती थी, अभी करंट में मैं अंडे नहीं खाती हूँ, बट उस टाइम पे क्योंकि प्रोटीन का इनटेक अपने डाइट में रखना है, उसकी अगर प्रोटीन और प्रोटीन रिच डाइट नहीं लोगे तो आपके बॉडी में बहुत सारी चीज़ें, बाल झड़ना, ये बस बहुत सारे फेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको वो
लगने लग जाएगी, बिल्कुल झुरी आ जाएगी फेस में। तो प्रोटीन का इंटेक अपने डाइट में रखना ही रखना है, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो अंडा मैं उस टाइम लेती थी, और आप दालें ले सकते हो, बहुत सारे वो ले सकते हो, क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हो। बहुत सारे लोग लेते हैं ना स्प्राउट्स, बहुत ज्यादा नहीं लेने बट बहुत उसमें, तो आप स्प्राउट्स ले सकते हो, मूंग दाल के स्प्राउट्स, चने के स्प्राउट्स ये ले सकते हो, उस पर नींबू मिला के और फिर उसको खा सकते हो। वैसे मैं प्रेफर करूंगी कि ऊपर से सॉल्ट नहीं डालना, बट इफ आप लेते हो तो बहुत कम क्वांटिटी में सॉल्ट डाल के आप वो ले सकते हो। और मैं फ्रूट्स लेती थी सुबह सुबह, हमारे हॉस्टल में उस टाइम फ्रूट्स मिलते थे, तो मैं फ्रूट्स खाती थी और दूध नहीं पीती थी। अंडा लेती थी एक अंडा, उसका एग वाइट लेती थी, वो जो येलो पार्ट होता था उसको मैं फेंक देती थी, उसको मैं नहीं खाती थी क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा वो होता है काब, और इसलिए भी नहीं लेती थी मैं। और दूसरी बात, मैं क्या करती थी, जैसे ब्रेकफास्ट में मैं बोल रही हूँ, कभी फ्रूट्स ले लिया और कभी कभी मैं चपाती, मतलब रोटी लेती थी, एक रोटी खाती थी मैं सिर्फ, और थोड़ी सब्जी खाती थी, ये था मेरा सुबह का। और अगर मुझे, वैसे तो मैं नहीं लेती थी, पर इफ आपको उसके बीच में, किसके बीच में, मतलब लंच से ब्रेकफास्ट के बीच में अगर भूख लगती है तो आप फ्रूट्स ले सकते हो। फ्रूट्स में मैं बनाना स्किप करती थी, मैं केला नहीं खाती थी, मैं सेब खाती थी, सेब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, सेब मैं खाती थी, और सेब सबसे अच्छा होता है। और दूसरा पपाया, पपाया हमारे लिए इसलिए क्योंकि जिस टाइम हम डाइटिंग कर रहे होते हैं उस टाइम हमारे कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और हमारे जो खाना होता है ना वो, मतलब हम प्रॉपर अमाउंट नहीं ले रहे होते हैं या जो भी है, तो उस वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाती है, और सैलड वगैरह नहीं लेते तो इस वजह से, और पानी प्रॉपर लेना है, डिहाइड्रेटेड हो जाओगे तो मैंने बोला जैसे कि हॉस्पिटलाइज हो सकते हो, तो इसलिए वो नहीं करना अपने बॉडी के साथ। तो सुबह सुबह मैं आपको दो तीन ऑप्शंस दूंगी, स्प्राउट्स ले लो, उसके अगर आप स्प्राउट्स ले रहे हो तो आप रोटी मत खाना, और अगर रोटी खा रहे हो तो स्प्राउट्स मत खाना। मैं सच बता रही हूँ, एक चीज़, मैंने जितने ऑप्शन बताए, फ्रूट्स, स्प्राउट्स, रोटी, इन तीनों में से आप एक ही लेना। और मिड में आपको भूख लगे तो आप फ्रूट्स ले सकते हो, थोड़े बहुत चीज़ें ऐसे ले सकते हो, जैसे क्या बोल सकते हैं, फ्रूट्स के अलावा अगर कोई ऑप्शन है स्प्राउट जैसे मैंने बोला तो वो ले सकते हो, और बाकी आप सैलेड ले सकते हो, सैलेड तो सबसे हेल्दी है, सैलेड आपको खूब खाना है अपनी डाइट में, है ना, तो सैलेड ले सकते हो। और सैलेड में मेयोनीज नहीं डालनी पहली बात, और दही ले सकते हो, हंकर्ड जिसे बोलते हैं, हंकर्ड सिर्फ वो ले सकते हो। और दूसरी बात, फिर आते हैं हम लंच में, लंच में मैं क्या करती थी, एक रोटी खाती थी, और अगर मेरे को, मैं थोड़ा चावल वाली पर्सन हूँ तो चावल भी लेती थी, तो इतने से, ऐसा नहीं दोनों एक साथ नहीं लेती थी, जिस दिन चावल खा लिया उस दिन रोटी नहीं खाऊंगी, जिस दिन रोटी खा ली उस दिन चावल नहीं खाऊंगी, चावल बिल्कुल मतलब बिल्कुल आधी कटोरी चावल और खूब सारी दाल, दाल आपको बहुत सारी लेनी है, दाल जैसे कि आपको पता ही है कि हाई प्रोटीन होता है दाल में, बहुत प्रोटीन रिच होती है दाल, तो दाल आप ले सकते हो। तो दाल भी मैं, मतलब जिस दिन राजमा वगैरह बनी रहती थी तो राजमा में थोड़ा कमी लेती थी, और ऊपर से क्या होता था, मैं हॉस्टल में थी उस टाइम, तो मतलब मेरा खुद ब खुद ही वो रूटीन बन गया। दोस्तों आपको सिर्फ ना ये डाइट प्लान फॉलो करने में एक हफ्ते बहुत दिक्कत हो सकती है, उसके बाद आपकी बॉडी इस चीज़ को अडेप्ट कर लेती है, और फिर उसके बाद आपको मोटिवेशन, अगर आपका एक भी किलो वजन कम हुआ ना, आप उसको एज अ मोटिवेशन लेना कि यार मेरा एक किलो वजन कम हुआ है। मैंने भी ऐसे करा दोस्तों, पहले मेरा एक किलो हुआ, दो किलो हुआ, तीन किलो, मैंने वो एज अ मोटिवेशन लिया, मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मैंने एक बार क्या करा था, कि सडनली मेरा बहुत वेट लॉस हो गया था, 3-4 किलो आई थिंक वेट कम हो गया था, तो उस टाइम मैंने क्या करा था कि पूरे अनाज, काब्स, जिनमें काब्स होते हैं वो वाला खाना खाना छोड़ दिया था, बट वो एक अनहेल्दी वे है बिल्कुल ही, और कि आप काब्स खाना छोड़ दोगे तो वो एक अनहेल्दी वे में आपका वेट लॉस होगा, उससे आपको कमजोरी आएगी, जैसे मैंने आपको बताया ही है, आपको बहुत वीकनेस हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ खराब हो सकती है, तो इसलिए। और दूसरी बात मैं क्या बोल रही थी, कि जब भी मैं खाना खाती थी एटलीस्ट दो टाइम मैं ट्राई करती थी, मैं ग्रीन टी पीऊँ, मैं ग्रीन टी पीती ही पीती थी दोस्तों। तो आपको भी अपने खाने में, हमारे स्किन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत फायदे हैं ग्रीन टी के, तो ग्रीन टी आपको पीनी है। पहले मैं इतनी डिमोटिवेटेड थी, मुझे लगा था कभी 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 मैं पतली नहीं हो सकती, और जो मैं फोटोज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मैंने कभी दुनिया में, मतलब जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ कि मुझे अपने उस चीज़ से, वैसे तो अपनी बॉडी से प्यार करना चाहिए, हर इंसान को प्यार करना चाहिए, सेल्फ लव जिसे बोलते हैं, बट क्या था कि मैं जब मोटी थी उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत बेकार फील करती थी, कोई मुझे मोटिव होता था मुझे इतना बुरा लगता था, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं जो फोटोज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, बट आपके साथ एज अ मोटिवेशन, आप लोग मोटिवेटेड हो इसलिए शेयर कर रही हूँ। और दूसरी बात, मैं अब लंच पे आते हैं, मैं बहुत बार डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, तो लंच पे मैं जो मैंने आपको बोला कि दाल लेनी है और दही भी ले सकते हो आप, सैलेड दोस्तों आपको हर मील में सैलेड लेना है, हर मील में आपको सैलेड लेना ही लेना है, और मिड में भी अगर आपको भूख लगे सैलेड लेना है। मैं तो पता क्या करती थी दोस्तों, मुझे भूख लगती थी मैं उसके बदले पानी पीती थी, पानी भी पीते रहना, आपको डिहाइड्रेटेड नहीं होना, और खाना खाने से पहले, लंच करने से पहले आपको कम से कम एक गिलास पानी तो पीना ही पीना है, उसकी वजह से क्या होगा आपका पेट वैसे ही फुल हो जाएगा, आप कम खाना खाओगे, मेरा ये रूल है हमेशा, गोल्डन रूल जिसे बोलते हैं। मैं अपनी लाइफ में कभी भी खाना खाने से पहले मैं एक गिलास पानी पी लूंगी, ब्रेकफास्ट हो या लंच हो, मैं तो ब्रेकफास्ट में भी पहले ही पीती हूँ खाना खाने से पहले, वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए बट मैं इसलिए करती हूँ ताकि मेरा स्टमक पहले फुल रहे और मेरे पेट में कम खाना आए, मैं इसलिए ये करती हूँ।
आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हो। और दूसरा अब आते हैं हम कि कभी कभी क्या होता है कि शाम के टाइम भूख लग रही है, तो शाम के टाइम मैं बोलूंगी फ्रूट्स तो नहीं, बट आप सैलेड ले सकते हो या फिर कोई भी ऐसी ऐसी चीज़ें जिसमें लो कैलोरीज होती है, और जैसे छाछ होती है, बटर मिल्क जिसे बोलते हैं, उसमें भी बहुत कम, बिल्कुल जीरो कैलोरी मान के चलो, उसमें बहुत जीरो कैलोरी होती है। और मैं ना आपको कैलोरी मीटर होता है, मतलब मैं अमेजोन पे, मेरे को लिंक मिलेगा, मैं वो भेज दूंगी, उसमें ना आप कैलोरीज को काउंट कर सकते हो, कितनी कैलोरी किस फूड में कितनी कैलोरी है। आपको कैलोरीज के ऊपर वर्क करना है, आपका बॉडी वेट और उस पे, उसके हिसाब से आपको कितनी कैलोरी दी है, उससे कितनी कैलोरी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, उससे थोड़ा कम कैलोरी लो तो उससे आपका ऑटोमेटिकली वेट लॉस होने लगता है। और रात को दोस्तों डिनर में मैं क्या करती थी कि ज़्यादातर मैं अपना मील स्किप करती थी रात का, मैं सच बताऊँ तो ज़्यादातर मैं अपना खाना रात का स्किप करती थी। और उसके अलावा मैं आपको बता सकती हूँ, अगर आप बहुत फूडी पर्सन हो तो आप क्या कर सकते हो, दाल पी लो, सूप पी लो, सूप भी वो वाला नहीं कि आप वो पैकेट वाला सूप पी रहे हो, वो नहीं, खुद बनाओ खुद खाओ, और ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, मतलब सूप वगैरह पी के। और सैलेड रात को भी ले सकते हो, थोड़ा बहुत सैलेड, और पानी तो मैंने आपको बताया पीना ही है, पर रात को मैं ये करती थी, ज़्यादातर या तो अवॉइड करती थी और कोशिश करती थी कि अनाज कम लूँ और दालें वगैरह ये सब चीज़ें मतलब ज़्यादा लूँ, रोटी चावल ये सब चीज़ें थोड़ा कम करूँ, और आप हेल्दी तरीके से। और ऐसा, और मैं अपनी डाइट में है ना दोस्तों, फास्ट फूड जो है उससे मैंने बहुत दूरी बना ली थी, बहुत टाइम तक मैं बहुत दूर थी, पर ऐसा नहीं है कि मैं फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाती थी या अभी भी मैं नहीं खाती हूँ। अब तो मैं, एक बार अगर आपका वेट लॉस हो गया ना, उसके बाद आपको दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का जो आपको पसंद है वो खाओ, पर एक बार एज अ मोटिवेशन आप लोग थोड़ा सा कंट्रोल करो, सेल्फ कंट्रोल अगर नहीं होगा आपके अंदर तो आप नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, मैं फास्ट फूड खाती थी बट मेरा चीट डे जिसे बोलते हैं, महीने में दो बार मैं फास्ट फूड खाती थी, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, मुझे बर्गर बहुत पसंद है, तो मैं वो खाती थी, बट मैं कैसे खाती थी कि जैसे आज संडे, हमको संडे को आउटिंग होती थी, मैंने आज खा लिया तो मैं मतलब ऐसे खाऊंगी कि सुबह से मैंने कुछ नहीं खा रखा मैंने सुबह से, तब जाके मैं दिन में खा रही, या फिर चलो मैंने सुबह खा भी लिया तो मैं दिन का खाना भी कुछ नहीं खाती थी, रात का खाना भी कुछ नहीं खाती थी, उस दिन मैं पिज्जा बर्गर खाती थी बस। और कोल्ड ड्रिंक आपकी दुनिया का सबसे गंदी चीज है दोस्तों, और चीनी, शुगर आपको अवॉइड करनी, चॉकलेट्स वगैरह, मीठा आपको बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करना है, मैं सच बता रही हूँ। और सैलेड मैं इसलिए लेने को बोल रही हूँ ताकि आपका जो ग्लूकोज है वो बिल्कुल लो ना हो जाए आपके बॉडी में, इसलिए सैलेड आपको लेते रहना, फ्रूट्स लेते रहना, उससे आपकी बॉडी में ना ग्लूकोज का लेवल भी कम नहीं होगा, आपको चक्कर वक्कर और ये सब चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है एट द टाइम ऑफ डाइटिंग वो बिल्कुल ही खाना पीना बंद कर देते, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैंने ये गलतियाँ करी, मैं इसलिए बता रही हूँ, मेरा पास एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको बता रही हूँ कि ऐसा आप कर सकते हो। बाकी दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आपने कैसे करा, मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को बताया भी, बहुत सारे अपने जूनियर्स वगैरह सबको बताया, और उन लोगों ने करा भी, मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो किसी ने मुझसे मोटिवेट होकर अपना ये सब करा है, मैंने उनको बताया कैसे क्या खाना है, तो उन्होंने भी वही सब फॉलो करा। और दूसरी बात, अगर आपको मुझसे कुछ भी डाइट, मतलब ये डाइट से रिलेटेड या कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी चीज़ पूछनी हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, मैं कभी किसी के मैसेज को इग्नोर नहीं करती, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, बट दोस्तों कमेंट में मेरे लिए रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं कमेंट में नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ, बट हाँ आप मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, मैं A to Z आपको हर एक चीज़ बताऊंगी। और प्रॉपर मैं आपको रेसिपी इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि हर किसी का तरीका अलग होता है, बस मैं आपको इतना बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा नमक, चीनी और तेल, ये तीन चीज़ें थोड़ा अवॉइड करनी, और स्पाइसी, ये सब चीज़ें स्पाइसेस मतलब अलग अलग मसाले, ये सब चीजें बहुत अवॉइड करने हैं, बहुत कम मात्रा में आपको लेने हैं, और तभी आप लोग कर पाओगे। बाकी आप जब तक सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहोगे तब तक आपको कोई दुनिया की ताकत कम नहीं कर सकती। मैम, मेरे को मोटिवेशन मिला था, एक ड्रेस थी मेरे पास, उसमें मैं आपको फोटो लगा दूंगी, उस टाइम में मैं थोड़ा चबी चबी थी बट मैं वेट लॉस कर रही थी, वो ड्रेस मुझे यहां से फिट नहीं आती थी, उसका चेन ही लगता था, बैक में उसके लेस भी थी, फिर भी वो लेस भी मतलब उसको ढीला करने के बाद भी फिर मुझे ड्रेस दी आती थी, बट मैं उसी की वजह से मोटिवेटेड हुई थी, और बाकी मेरे को दुनिया वाले बहुत थे बोलने वाले मोटिवेटेड, तो उनके तारीफ सुनने नहीं थे मुझे, और इसलिए मैंने ऐसा करा। बाकी जो मेरे नोन टू हैं वो मुझे जानते हैं अच्छे से कि मैं क्या थी और मैं अब क्या बन चुकी हूँ, बट आप लोग भी ट्राई करना जो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। बाकी दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या हेल्पफुल लगाओ तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, पर आज मैंने फाइनली बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई है। और चलो दोस्तों, अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाटा बाय बाय।